से ना रुके हम, बरसी से चले हम, बादल सा घर छे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम RDBMS का यूनिट सेकंड का चैप्टर नंबर सेकंड करने जा रहे हैं, जो बेसिकली हमने स्टार्ट किया था RDBMS के रिगार्डिंग की व्हाट इज़ द RDBMS पैकेज। तो RDBMS का मीनिंग क्या होता है कि एक सॉफ्टवेयर है जिसमें आप बेसिकली रिकॉर्ड्स को सेव कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड ए RDBMS पैकेज। DBMS का भी यही रोल था, बट RDBMS बेसिकली क्या काम करता है कि उसको एक RDBMS पैकेज के रिकॉर्ड को दूसरे RDBMS पैकेज में यूज़ किया जा सकता है। तो नाउ देखो, एक डेटाबेस का स्ट्रक्चर क्या है। ए डेटाबेस मॉडल डिफाइन द लॉजिकल डिज़ाइन एंड स्ट्रक्चर ऑफ ए डेटाबेस एंड डिफाइन हाउ डेटा विल बी स्टोर्ड, एक्सेस्ड एंड अपडेट इन ए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। मिस डेटाबेस का जो मॉडल होता है वो इस तरीके से डिज़ाइन होता है या इस तरह का एक स्ट्रक्चर होता है जिसपे प्रॉपरली आप डेटा को स्टोर कर सकते हैं और उस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। हायरार्किकल मॉडल, नेटवर्क मॉडल, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, रिलेशनल मॉडल आर एग्जांपल ऑफ सम डेटाबेस मॉडल्स। मतलब ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिसमें हायरार्किकल मॉडल है, नेटवर्क मॉडल है, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल है। रिलेशंस मॉडल इज द वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज डेटाबेस मॉडल। मतलब ज़्यादातर जो मॉडल यूज होता है दैट इज द रिलेशनल जो मॉडल है वो सबसे ज़्यादा यूज होता है। तो अब देखिए, रिलेशनल डेटा मॉडल रिप्रेजेंट डेटाबेस एज ए कलेक्शन ऑफ टेबल कॉल्ड रिलेशंस। मतलब जो डेटाबेस मॉडल है वो बेसिकली हमारे पास क्या काम करता है कि कलेक्शन है टेबल्स का, ईच ऑफ विच असाइंड ए यूनिक नेम, जिसके अंदर एक जितने भी फील्ड आप डालते हो, फील्ड का मतलब जैसे जो भी टेबल बनाओगे सबसे पहले फील्ड डिक्लेयर करते हैं और उसके डेटा टाइप डिक्लेयर करते हैं कि कौन कौन से फील्ड रहेंगे और उनके डेटा टाइप कौन कौन से रहेंगे। ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है और उसका साइज डिक्लेयर किया जाता है। साइज इस टाइप से डाला जाता है ताकि जो डेटा है वो प्रॉपरली असाइन हो सके, ठीक है। मोस्ट वाइडली यूज रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आर कुछ RDBMS पैकेज के एग्जांपल इसमें गिवन है, जैसे लाइक ओरेकल, MySQL, DB2, FoxPro एंड इनग्रेस। तो दीज आर द बेसिकली एग्जाम्पल ऑफ RDBMS पैकेज। अब जैसे मान लो इस तरह का एक टेबल बनानी है हमें, जिसमें EMP नेम है, नेम है, प्लेस है, फोन नंबर है और सैलरी है। तो सबसे पहले टेबल जब आप बनाते हो तो उसका एक स्ट्रक्चर तैयार करोगे। स्ट्रक्चर तैयार करने का मतलब कि स्ट्रक्चर किस तरह का होगा, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि स्ट्रक्चर का टाइप क्या रहेगा। जैसे कि आपके पास ये फील्ड है, अब EMP नंबर अगर नंबर में है तो न्यूमेरिक टाइप हो गया, नेम टेक्स्ट टाइप का हो गया, प्लेस टेक्स्ट टाइप में है, फोन अगेन टेक्स्ट टाइप ले सकते हो, नंबर भी डाल सकते हो, सैलरी न्यूमेरिक टाइप की हो गई। तो दीज आर द डिफरेंट फील्ड्स और उनके क्या हो गई, डेटा टाइप हो गई। मतलब इस तरह की टेबल अगर आपको बनानी है तो टेबल बना सकते हैं। तो नाउ अब रिलेशंस डेटाबेस में कुछ पॉइंट्स यूज होते हैं, लाइक एट्रीब्यूट, टपल एंड रिलेशंस। जैसे क्या क्या है, अब जैसे पहला पॉइंट है एंटिटी। व्हाट इज एन एंटिटी? एन एंटिटी इज एन ऑब्जेक्ट और थिंग्स इन ए रियल वर्ल्ड दैट इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। मींस एंटिटी क्या होगी, कोई भी इन रियल वर्ल्ड में जो एक्चुअल जो थिंग्स हैं उसको हम एंटिटी बोलते हैं। लाइक एम्प्लॉई, स्टूडेंट, तो कार, कोई भी इनरोलर हो गया, ऑल दीज आर कॉल्ड एंटिटी। मतलब रियल में कोई बंदा अगर अवेलेबल है तो दैट इज कॉल्ड ए एंटिटी। एट्रीब्यूट क्या होते हैं, जैसे मान लो आपने एक टेबल बनाई तो आपकी टेबल में जो फील्ड्स हैं, जितने भी आपके पास फील्ड्स होंगे दैट इज कॉल्ड एट्रीब्यूट। जैसे कि मान लो एक रिकॉर्ड डालना है तो रिकॉर्ड में रोल नंबर हो गया, नेम हो गया, एड्रेस हो गया, फादर नेम हो गया, ऑल दिस फील्ड आर कॉल्ड एट्रीब्यूट्स। अब नेक्स्ट पॉइंट है रिलेशंस। रिलेशंस किस टाइप के होंगे, ए रिलेशन इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा एलिमेंट ऑर्गेनाइज्ड इन टर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। कि रिलेशंस का मतलब क्या होता है कि आपस में जो डेटा आप जो भी डालते हो वो एक दूसरे से रिलेटेड होने चाहिए, जैसे कि एक प्रॉपरली एक ऑर्गेनाइज किया जाता है रो और कॉलम के फॉर्मेट में। नेक्स्ट पॉइंट इज कॉल्ड टपल। टपल का मीनिंग जो आपकी रिकॉर्ड्स हैं, एवरी वन रिकॉर्ड्स इज कॉल्ड ए टपल। जैसे लाइक 101 महेश कानपुर फोन नंबर एंड दैट इज द आपके पास 50,000 एक अमाउंट हो गया, तो ये एक रो हो गया हमारे पास, इट मीन्स एक क्या हो गया, टपल हो गया। डिग्री का मीनिंग क्या होता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने हैं, जैसे 5 कॉलम है तो आप 5 कॉलम उसके अंदर स्टोर कर सकते हैं या रिट्रीव कर सकते हैं, तो ये क्या हो गई, उसकी डिग्री हो गई।
कार्डिलिटी, द नंबर ऑफ रोज ऑफ टपल इन द रिलेशन इज कॉल्ड कार्डिलिटी ऑफ द रिलेशन, कि कितनी रोज रहेंगी वो क्या कहलाएंगी, कार्डिलिटी कहलाती हैं। डोमेन, परमिशन वैल्यू ऑफ एन एट्रीब्यूट स्कीमा इज कॉल्ड ए स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल, टेबल का जो स्ट्रक्चर तैयार करते हैं कि आपकी टेबल में कौन कौन से फील्ड रहेंगे, हर एक फील्ड जो है उसका एक डेटा टाइप होगा, तो वो सारी चीज़ क्या कहलाती है, एक स्कीमा कहलाती है, कि एक प्रॉपर एक स्ट्रक्चर तैयार करना। नाउ जैसे ये एग्जाम्पल ले लिया कि जैसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, जैसे एक फॉलोइंग टेबल है जिसमें क्लास आईडी है, नेम है, प्लेस है, पिन नंबर है और क्लास है। तो क्लास आईडी 1, 2, 3 ये हो गई, उनके नाम हो गए, प्लेसेस हो गए कहाँ पे हैं बंदे हैं, पिन नंबर हो गए और उनकी अलग अलग क्लासेस आपने डाल दी। एक दूसरी टेबल डाल दी स्टूडेंट गिवन बिलो, जिसमें ये आपके पास यूज हो गया कीज। अब देखिए कीज, कीज का मीनिंग क्या है कि जितने भी आपके पास टेबल बनाते हो, जितने फील्ड बनाते हो, उनके अंदर कुछ कीज असाइन होती हैं। कीज असाइन का मतलब जैसे लाइक प्राइमरी की है, फॉरेन की है, सुपर कीज है, दीज आर कॉल्ड कीज बोलते हैं। अब इसमें एक की है जैसे कि लाइक सुपर की। अब व्हाट इज द सुपर कीज, ए सुपर कीज एन एनी सेट ऑफ एट्रीब्यूट दैट यूनिकली आइडेंटिफाई, मतलब कुछ एक ग्रुप बना देते थे रोल नंबर और नेम, या रोल नंबर, नेम और एड्रेस, तो तीन चीजें डाल दी आपने, या रोल, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर एंड देन असाइन द स्टूडेंट नेम, तीन चीजें आप असाइन कर सकते हैं। तो ये जो तीनों फील्ड हैं वो अपने आप में यूनिक वैल्यू रहेंगी। तो जब एक से ज्यादा फील्ड्स या एक से ज्यादा रो के ऊपर आप कोई वैल्यू यूज करते हैं तो दैट इज कॉल्ड ए सुपर की। कैंडिडेट की, इन अबो एग्जाम्पल, इन अबो स्टूडेंट टेबल इट इज क्लियर दैट एडमिशन नंबर इज ए की, सिमिलरली रोल नंबर एंड कोर्स टूगेदर फ्रॉम अनदर की, मतलब आपने एक एडमिशन नंबर एक की बना दी, दूसरा रोल नंबर और एक क्या ले लिया, कोर्स, दैट इज बोथ दीज एट्रीब्यूट कैन बी यूज आइडेंटिफाई यूनिकली ईच टपल इन ए रिलेशन, तो ये रिलेशनशिप के रूप में यूज हो सकते हैं। तो ये कीज कौन सी कहलाएंगी, कैंडिडेट की कहलाएंगी। नाउ सबसे ज्यादा जो की यूज होती है दैट इज द प्राइमरी की यूज होती है। प्राइमरी की का मीनिंग क्या होता है कि आफ्टर असाइन द प्राइमरी की वी कैन नॉट इंसर्ट डुप्लीकेट वैल्यू और नल वैल्यू, ना तो उस फील्ड में डुप्लीकेट वैल्यू डल सकती है और ना ही उसको हम खाली छोड़ सकते हैं। तो वो जो की आपके पास यूज होते हैं दैट इज कॉल्ड प्राइमरी की। दूसरा, प्राइमरी की रिलेशनशिप बनाने के लिए काम करती हैं कि एक प्राइमरी की टेबल को दूसरी टेबल के साथ में अटैच किया जा सकता है। क्लियर हो गया। नाउ नेक्स्ट वन इज द अल्टरनेट की। जब आपने एक की प्राइमरी की बना दी, जो बाकी जो फील्ड्स हैं वो कौन सी की कहलाएंगे, अल्टरनेट कीज कहलाएंगे। ठीक है, जैसे एडमिशन नंबर, प्लेस, पिन नंबर, मोबाइल नंबर ये डाल दिया। अब एडमिशन नंबर आपने यूनिक वैल्यू डाल दी, कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं है, तो दैट इज द प्राइमरी की। और बाकी जितनी भी की हैं वो आपके पास कौन सी की हो गई, कैंडिडेट की हो गई। नाउ व्हाट इज द फॉरेन की। फॉरेन की क्या है, देखो जब हम दो टेबल को आपस में कनेक्ट करते हैं, रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं दो टेबल के बीच में, तो एक की आपके पास मास्टर टेबल कहलाती है जिसमें आपको प्राइमरी की बनानी है, दूसरी जो टेबल है जिसके साथ उसको लिंक किया जाता है वो डिटेल टेबल कहलाती है। तो डिटेल टेबल का मतलब वहां पे फॉरेन की आपको बनाएंगे। तो जब भी आप प्राइमरी की और फॉरेन की बनाते हैं तो प्राइमरी की में एक रिलेशनशिप बनता है दैट इज कॉल्ड रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का एक रूल बन जाता है दोनों के बीच में, जब आप प्राइमरी की और फॉरेन की बनाते हैं। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का मीनिंग क्या होता है कि ना तो आप उसमें वही, जैसे आपको मान लो रिकॉर्ड डालने डिटेल टेबल के अंदर, डिटेल टेबल कौन सी होगी जिसमें फॉरेन की बनी हुई है, तो इसमें वही रिकॉर्ड डाल सकते हैं जो आपके अवेलेबल है मास्टर टेबल के अंदर। मास्टर टेबल का मतलब जिसमें आपने प्राइमरी की बनाई हुई है। ऐसे जब रिकॉर्ड डिलीट करते हैं तो फर्स्ट वन रिकॉर्ड डिलीट करेंगे आप फॉरेन की से, जब वो रिकॉर्ड डिलीट हो जाता है तो उसके बाद एक स्पेसिफिक रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हैं मास्टर टेबल से। समझ आ गया। जिस टेबल में आप प्राइमरी की बनाते हैं वो मास्टर टेबल कहलाती है, जिस टेबल के अंदर आप फॉरेन की बनाते हैं वो डिटेल टेबल कहलाएगी, जिसमें आप एक रिकॉर्ड के मल्टीपल इंसर्ट कर सकते हैं रिकॉर्ड। जैसे कि आपने स्कूल में एडमिशन ले लिया तो आपको एक रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर असाइन हो गया, लेकिन आप पूरे साल में मान लो 10 बार फीस जमा करते हैं, तो 10 बार जो फीस जमा हुई तो इट मीन्स वो फॉरेन की है, और जहां एक बार आपका रजिस्ट्रेशन हुआ वो आपकी कौन सी की कहलाएगी, प्राइमरी की कहलाएगी। तो दैट इज द रिकॉर्ड्स जिसके बेसिस पे हम प्राइमरी की बना सकते हैं और फॉरेन की बना सकते हैं। अब नाउ कुछ पॉपुलर आरडीबीएमएस पैकेज यूज किए हैं, जैसे लाइक सम ऑफ एग्जांपल आर एमएस एक्सेस, ओरेकल, डीबी2, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, पोस्ट ग्रिल एसक्यूएल, माई फॉक्स प्रो, इनग्रिस एक्सेट्रा, दीज आर ऑल पैकेज।
अब नाउ फर्स्ट वन है माई एसक्यूएल. माई एसक्यूएल वॉज अ फाउंड इन ईयर 1995. सन माइक्रो सिस्टम्स एक्वायर्ड माई एसक्यूएल इन 2008 में इसको एक्वायर कर लिया था. नाउ दैट इज अ पार्ट ऑफ ओरेकल कॉरपोरेशन जो बेसिकली 2010 से इसका पार्ट हो गया. माई एक्सेस बहुत पुराना पैकेज है, दैट इज अ प्रोडक्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट कंपनी. ओरेकल बेसिकली ए पैकेज ऑफ ओरेकल कॉरपोरेशन जो बेसिकली सेम कमांड्स के थ्रू काम करता है, जिसमें बहुत सारी और चीज़ें बना सकते हैं लाइक इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट, ट्रिगर्स, शेयर्ड एसक्यूएल एंड लॉकिंग सिस्टम यूज कर सकते हैं. इसके अलावा DB2 है, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर है, नो एसक्यूएल, पोस्ट ग्रिल एसक्यूएल, MS Fox Pro, ठीक है. नाउ इनग्रिस डेटाबेस ओपन सोर्स लेसन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम दैट सपोर्ट ए लार्ज नंबर ऑफ गवर्नमेंट एप्लीकेशन. जो अभी इनग्रिस के बारे में दिया, तो इनग्रिस एक ओपन सोर्स का डेटाबेस पैकेज है जो बेसिकली गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत ज़्यादा जगह यूज किया जाता है. इनग्रिस इज ए क्रॉस प्लेटफॉर्म डेटाबेस दैट इज एसिड कंप्लीटेबल एंड फुली ट्रांजेक्शनल. मतलब इसमें कोई भी ट्रांजेक्शन आप यूज कर सकते हैं. तो कुछ फॉर्म्स है जैसे लाइक डेटा फील्ड रिकॉर्ड. डेटा का मीनिंग समझ में आ गया कि आपको क्या क्या वैल्यू इंसर्ट करनी है, उसके अकॉर्डिंगली आपके फील्ड बनाए जाते हैं एंड देन रिकॉर्ड असाइन किया जाता है. तो कुछ फिगर्स गिवन है जैसे लाइक एम्प्लॉय नंबर, नेम, प्लेस, फोन नंबर और सैलरी. तो इस तरह की आपको एक टेबल बनानी है. तो टेबल आप इजिली जाकर के इनमें से कोई भी एक RDBMS पैकेज ले लीजिए एंड देन आप उसमें फिर क्या साइन करोगे, अपनी टेबल बनाओगे. ये कुछ मल्टी चॉइस क्वेश्चन है, प्लीज सोल्व दिस क्वेश्चंस, ठीक है. तो ओके स्टूडेंट, दैट इज अवर यूनिट 2 का पहला चैप्टर हमने यूज किया है, सेशन 1, जिसमें हमने यूज करना सीखा कि बेसिकली RDBMS पैकेज क्या है, प्राइमरी की क्या है, फॉरेन की क्या है, कैंडिडेट की क्या है. All these are the different options in this chapter. RDBMS एक काफ़ी important role play करता है. तो आप इसका basically जो theoretical session है इसको थोड़ा आप ध्यान से करें, that is most important part, ठीक है. तो that is our session first.